जय हिंद दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आईटीबीपी ट्रेड्समैन की तरफ से आप सभी के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया गया है उसके बारे में। हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि यदि आप लोग सिंपली 10 यानी कि 10वीं पास है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम पूरे डिटेल से जानते हैं कि आईटीबीपी ट्रेड्समैन को फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी भर्तियाँ आती है उसका अपडेट आपके पास सबसे पहले आ पाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स इनवाइट्स ऑन एन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल इंडियन सिटीजन मेल एंड फीमेल। यहाँ पे दोनों कैंडिडेट मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान वाले भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के लिए है जो कि ग्रुप सी के अंतर्गत ये नॉन कस्टेड मिनिस्टर नॉन मिनिस्टर ये वैकेंसी जो है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बेसिक सैलरी की यदि बात कर ले तो 21,700 से लेकर 69,100 के बीच आप सभी को सैलरी रहने वाला है जो कि लेवल 3 के अंतर्गत ये जो है आता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं वैकेंसी का पूरा डिटेल्स दे रखा है, आप लोग अच्छे से यहाँ पे देख लेंगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पे जारी किया गया है कैटेगरी वाइज। ठीक है, कॉन्स्टेबल टेलर के लिए 18 वैकेंसी है, कॉन्स्टेबल गार्डनर के लिए यहाँ पे 16 वैकेंसी है, कोबलर के लिए 31 वैकेंसी, यहाँ पे सफाई कर्मचारी का 78 वैकेंसी है, कॉन्स्टेबल यहाँ पे वाशरमैन का 89 और बराबर का 55 वैकेंसी टोटल यहां पे जारी किया गया है जो कि आप सभी देख सकते हैं। और यहां पे कैटेगरी वाइज यहां पे वैकेंसी जारी किया गया है और यहां पे मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, तो आप सभी यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए फ्रेंड्स हम आगे देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। तो यहाँ पे नोट में फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि द वैकेंसी आर टेंटेटिव एंड में इंक्रीज और डिक्रीज विथआउट एनी नोटिस एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी इनिमेटेड थ्रू आईटीबीपी रिक्रूटमेंट वेबसाइट। यानी आप सभी को हम बता दें फ्रेंड्स कि आईटीबीपी के पास ये राइट दिया गया है कि ये जो रिक्रूटमेंट जारी किया गया इसमें भर्ती के पदों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकती है और घटा भी सकती है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे कुछ जो है दखल नहीं दे सकते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, वैकेंसी के अंतर्गत साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स 10% जो इसमें वैकेंसी है वो रिजर्व कोट रिजर्वेशन है। ठीक है, ये एक सर्विस मैन के लिए, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, नीचे की तरफ फ्रेंड्स आप सभी आएंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में दे रखा है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन में आप सभी को क्या क्या मांगा गया है। तो कॉन्स्टेबल टेलर और गार्डनर कोबलर के लिए यहाँ से 18 से 23 एज रखा गया है और यहाँ पे 10वीं पास सिंपली मांगा गया है। और आप सभी को इस ट्रेड में जिस भी ट्रेड के लिए आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स उसमें 2 इयर्स का आप सभी के एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, और यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है आईटीआई डिप्लोमा यदि किए हुए हैं तभी आप लोग इस फॉर्म के अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग फॉर्म को अप्लाई करते हैं आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सिंपली सभी कैंडिडेट जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना बनवा ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कांस्टेबल सफाई कर्मचारी के लिए यहाँ पे आप सभी के लिए 10वीं पास मांगा गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सफाई कर्मचारी एंड वाशरमैन के लिए सिंपली 10वीं पास मांगे। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात कर ले कि इस फॉर्म को अप्लाई किस मोड में करना है तो आप सभी के यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड में आप सभी को जो है ये आईटीबीपी के ऑफिशियल साइट से जाकर आप लोग जो है ऑनलाइन मोड में अप्लाई इस फॉर्म को कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को एप्लीकेशन फीस 100 रुपये लगने वाला है जो कि आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या रखा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले होगा द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कॉन्स्टेट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यानी सबसे पहले आप सभी को पीईटी होगा, पीईटी के बाद आप सभी को रिटन एग्जामिनेशन होगा, पीईटी और पीएसटी साथ में हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड स्टेज में रिटन टेस्ट, उसके बाद आप सभी को ट्रेड टेस्ट होगा थर्ड स्टेज में, उसके बाद आप सभी को मेडिकल होता है। ठीक है, लास्ट में जो कि आप सभी देख सकते हैं। यदि हम अप्लाई डेट की बात कर ले तो ऑनलाइन अप्लीकेशन मोड विल बी ओपनड 23 नवंबर 2022 यदि की लास्ट डेट की बात कर ले तो 22 दिसंबर तक आप लोग इस फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि इस भर्ती को लेकर के यदि आपके पास कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका जो फुल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन जब इसका स्टार्ट होगा तो आप सभी के लिए हम न्यू वीडियो ला देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।